हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान ब्यूटी टिप्स एंड होम। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि सीताफल के जो छिलके होते हैं उसे धो लें अच्छे से, और जो बीज हैं उसे भी अच्छे से धो लें, और इसकी बहुत अच्छी रेसिपी बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 किलो सीताफल के छिलके हैं ये, और बीज, और बिल्कुल पका हुआ सीताफल था तो उसके छिलके हैं ये। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई गरम हो चुकी है और इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी, 1/2 चाहे तो घी स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप तेल ले सकते हैं या फिर रिफाइंड, जो आपको पसंद हो। इतना समय जीरा लूंगी। तो इसे हम बीज को पहले डाल देते हैं। थोड़ा सा बीज को फ्राई होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, बीज जो है हल्के हल्के से ब्राउन दिख रहे हैं। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी छिलके। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढक दिया था क्योंकि जो घी था वो इधर उधर छीट हो रहा था घी के, तो इसलिए इसे कुछ चला लेंगे। इस तरीके से फुला देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे भी हमें इस जैसे बीज को फ्राई किया था हमने एकदम ब्राउन, उसी तरीके से छिलकों को भी कर लेना है फ्राई, जब तक हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। और इसे इस तरीके से फुला दें ताकि एक एक जो छिलके हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड्स, हल्का हल्का सा देखो ब्राउन हो रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी मैं नमक, और हल्की सी मिर्च पाउडर, तो फ्रेंड्स ये रेडी है। गैस को कर दियो और एक प्लेट में से मैं सर्व कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये तैयार है, और आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, और एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।